बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बस कॉलेज, स्टूडेंट सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस सी लैंग्वेज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एमसीक्यूज प्रिपरेशन की वीडियो नंबर 8 में आज हम बात कंडीशनल ऑपरेटर की तो ऐसा सच नहीं करेंगे, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जिक्र जारी रहेगा। तो पहले एमसीक्यूज में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दी सी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आपके सामने है और इफ एल्स इफ से रिलेटेड जो कंडीशनल लॉजिक कहलाती है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, उससे रिलेटेड आपके पास ये प्रोग्राम है। तो आप जानते हैं कि इफ 10 इज लेस देन 9, कंडीशन 2 नहीं हुई, 10 लेस देन 9 नहीं होता है तो हुर्रे तो प्रिंट नहीं होगा। अलबत्ता वरना अगर एल्स इफ, वरना अगर 4 इज ग्रेटर देन 2, यस ये कंडीशन दुरुस्त हो गई, 4 2 से बड़ा होता है, कंडीशन 2 होने पे इंग्लैंड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हेयर और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई। नाउ एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, ये एक आपके पास अगेन एक प्रोग्राम है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 9, या ये बात भी दुरुस्त हो गई, कंडीशन 2 है तो सिंगापुर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद बैक स्लैश एन है, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा। इफ एल्स इफ, वरना अगर, ठीक है। अच्छा, वरना अगर वाली बात आपको क्या लगता है कि क्या डिस्प्ले होगी, जी बताइए, वरना अगर, तो जी आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना होगा यकीनन। इफ के बाद एल्स इफ पे जाते उस वक्त हैं जब इफ वाली बात दुरुस्त ना हो। अगर इफ वाली बात दुरुस्त हो गई तो एल्स इफ वाला हिस्सा स्किप हो जाता है। तो 10 इज ग्रेटर देन 9, सिंगापुर प्रिंट हो गया, बैक स्लैश एन की बात आ गई और फिर उसके बाद एल्स इफ वाला पोर्शन चेक ही नहीं किया जाएगा। उसकी बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ इंग्लैंड, ये वाली बॉडी स्किप हो जाएगी और इसके अलावा इस इफ एल्स इफ से बाहर आएगा तो प्रिंट एफ पोलैंड, पोलैंड लिखा हुआ आएगा। तो हमारे पास सिंगापुर और नेक्स्ट लाइन पे पोलैंड, क्योंकि जगह की कमी थी इसलिए ये एक ही लाइन में लिख दिया गया, अदरवाइज सिंगापुर के बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर पोलैंड, ये इसका राइट आंसर बनता है क्योंकि दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट सुटेबल आउटपुट या राइट चॉइस ओवर हेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हेयर और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। एल्स इफ वाला पार्ट रन नहीं होगा और क्योंकि उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए थे तो उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इंग्लैंड वाली समझी गई, वो अगर स्किप हो गई तो पोलैंड तो बहरहाल रूटीन के मुताबिक रन होगा, आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, इंटीजर मेन इफ ब्रैकेट के अंदर -5, फिर इफ आगे जाके 5 है, दो अलहदा अलहदा इफ है, दोनों को चेक किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको याद होगा अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में कि अगर वैल्यू इन द कंडीशन इज नॉन जीरो वैल्यू तो वो ट्रू समझी जाती है। तो सिर्फ -5 लिखा हुआ है, -5 नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब ट्रू ही समझा जाएगा, तो जर्मनी प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर अगेन इफ 5 लिखा हुआ है तो इसको भी चेक किया जाएगा, ये एल्स इफ नहीं है, ये अलग अलग इफ है, अलग अलग इफ जो है अपने अपने तौर पर टेस्ट किए जाते हैं। तो अगेन इफ ब्रैकेट में 5, कंडीशन ट्रू समझी जाएगी क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है तो टेक्सास भी प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद प्रिंट एफ जिंग, ये अपनी जगह रूटीन की तरतीब है, ये भी डिस्प्ले होगा। तो जर्मनी, टेक्सास और जिंग, ठीक है, बैक स्लैश एन का अपनी जगह वर्किंग होनी है तो ये अपनी जगह आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए जिंग लिखा है नॉट करेक्ट, टेक्सास और जिंग लिखा है ये भी नॉट करेक्ट, जर्मनी, टेक्सास, जिंग, ठीक है, बैक स्लैश एन के इफेक्ट को इधर नहीं दिखाया जा रहा लेकिन दिस इज द राइट ऑप्शन, कंपाइल एरर कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर और ये इसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गई। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अगर देखिए इफ 10.0, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है, कंडीशन 2 समझी जाएगी और आपके पास डिस्प्ले टेक्सास हो जाएगा। फिर इफ के अलावा बॉडी से बाहर आए प्रिंट एफ जिंग तो ये अपनी रूटीन के मुताबिक डिस्प्ले होगा। तो टेक्सास के बाद बैक स्लैश एन है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर होना है और फिर उसके बाद जिंग आना है,
तो ऑप्शन बी इधर करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है कि गो के वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं डिस्प्ले हुआ हुआ, टेक्सास की नेक्स्ट लाइन पे जिंग होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त बेटर चॉइसेस ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि कोई कंपाइल एरर भी नहीं होना है, नन ऑफ द अबव को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहरहाल बैक स्लैश एन का इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन वाला, लेकिन जगह की कमी की वजह से इस तरह से लिखा हुआ है फिल वक्त, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। अगर टेक्सास और नेक्स्ट लाइन पे जिंक को दिखाया जाए तो ये ज्यादा सुटेबल चॉइस होगी, ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। तो नॉन जीरो वैल्यू हो चाहे भले से वो पॉइंट में हो, रियल नंबर हो यानी, तो वो ट्रू समझी जाएगी। हाँ, जीरो और 0.0 का मतलब बहरहाल फॉल्स समझा जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 में स्टूडेंट कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट, ये अगेन एक प्रोग्राम है, इफ कंडीशन के अंदर जो है वो कोटेशन मार्क में एबीसी लिखा हुआ है और बहरहाल स्ट्रिंग वैल्यू है, दैट इज आल्सो अ वैल्यू, और इसको भी नॉन जीरो वैल्यू समझा जाएगा, ट्रू समझा जाएगा, पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा, फिर कंट्रोल ट्रांसफर टू नेक्स्ट लाइन, एंड देन इफ सी सिंगल कोट में करेक्टर वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो इसको भी ट्रू समझा जाएगा, तो हनी भी डिस्प्ले होगा बैक स्लैश एन से कंट्रोल ट्रांसफर टू नेक्स्ट लाइन, एंड देन बगैर किसी कंडीशन के प्रिंट एफ जिंग लिखा हुआ है तो ये तो लामहाला डिस्प्ले होगा। तो एट प्रेजेंट गिवन चॉइसेस में पाकिस्तान, हनी, जिंग, दिस इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो जैसे एबीसी एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये आपको रिटर्न करेगी एक इंटीजर एड्रेस नंबर और इस सबको करेक्ट समझा जाएगा। तो नॉन जीरो नंबर सिर्फ जो है एनी नॉन जीरो नंबर गिव्स ट्रू कंडीशन, ठीक है, उस एतबार से ये इवैल्यूएट किया गया प्रोग्राम जी। अब बात करें अगर हम सिक्स के अंदर देखें, इफ ब्रैकेट में ट्रू लिखा हुआ है, यहां मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में स्टॉप कर दूं कि ट्रू कोई वैल्यू नहीं है, ट्रू जो है देखिए आप बगैर कोटेशन मार्क के भी लिखा हुआ, यानी ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी नहीं है, ट्रू को इधर एक वैल्यू की हैसियत दी जा रही है, गोया ट्रू एक वैल्यू का नाम दिया जा रहा है, तो ये कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा इधर एक कंपाइल एरर जनरेट होगा क्योंकि ये ऐसा कोई कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको नीचे नजर आ रहा है देयर आर नो कीवर्ड्स ट्रू या कैपिटल में, ट्रू दिस अवेलेबल इन जावा या जावा स्क्रिप्ट में होता है या दीगर लैंग्वेजेस में होता है, सो वी गेट कंपाइल एरर ओवर हियर, ठीक है। आपको प्रोग्राम नंबर 5 और 6 में ये फर्क समझ लेना है कि एबीसी जो लिखा था वो कोटेशन मार्क में था, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, जबकि ट्रू बगैर किसी कोटेशन मार्क के गोया इसको कोई डेटा वैल्यू समझा जा रहा है, इसको कोई रूल का हिस्सा समझा जा रहा है, ऐसा कोई रूल सी लैंग्वेज में नहीं है, टी आर यू ई ट्रू कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, 1 और 0 एग्जिस्ट करेगा लेकिन ट्रू एग्जिस्ट नहीं करता। एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं इंटीजर एक्स बराबर है 1, फ्लोट वाई बराबर है 1.0, तो कह रहे हैं कि 1 अगर बराबर बराबर है यानी एक्स बराबर बराबर है वाई के, तो यस इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, 1 को 1.0 से जब कंपेयर किया जाएगा ये एक ही बात है, 1 इज इक्वल्स टू 1.00 ये इक्वलेंट है। इसी तरीके से सेकंड इफ में कह रहे हैं 1 बराबर बराबर है 1.0 के, तो ये भी बात ट्रू है, और थर्ड इफ में कह रहे हैं 1.0 बराबर बराबर है 1.0 एफ, यहाँ पे एक तरीके से ये डबल फ्लोट की बात हो रही है, तो सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो पोलो, गोल्फ और बॉक्सिंग ये सब नेक्स्ट लाइन के एतबार से करेक्ट होगा, और गिवन चॉइसेस में ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि इंटीजर इज प्रोमोटेड टू फ्लोट हो जाएगा, डबल ऑटोमेटिकली बिफोर कंपैरिजन हो जाएगा, जो इंटीजर वैल्यू इधर फ्लोट के साथ या डबल के साथ कहीं कंपेयर की जा रही है तो वो कंपैरिजन में फ्लोट और डबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सो ऑल आर इक्वल, इधर कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 और 1.0 1.0 एफ ये सब इक्विडेंट बातें, कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो पोलो, गोल्फ और बॉक्सिंग ये सब डिस्प्ले होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम इंटीजर ए बराबर है 9, ए को 9 असाइन हुआ, और फिर कह रहे हैं इफ ए बराबर 8, आप जानते हैं कि ए बराबर 8 ये लूजली रिटर्न कंपैरिजन वैल्यू है, कंपैरिजन ऑपरेटर है,
सिर्फ एक सिंगल इक्वल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं कहलाता। तो a इज इक्वल्स टू 8 का मतलब ये हुआ कि 8 वैल्यू असाइन हुई 8 a को, पहले 9 असाइन हुआ था a को, देन ब्रैकेट के अंदर 8 असाइन हो गया a को। अब ब्रैकेट के अंदर गोया 8 लिखा हुआ है, नॉन जीरो वैल्यू लिखी हुई है, गोया ट्रू कंडीशन है, और ट्रू कंडीशन के ऊपर गोया बेस करते हुए कैंगरू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर हम बॉडी से बाहर आए तो एक्स लिखा हुआ है प्रिंट एफ के अंदर, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैंगरू और एक्स, ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई। ठीक है, ए इज इक्वल टू 8 एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, नॉट अ कंपैरिजन, और इफ के अंदर क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो इट्स ऑलवेज ट्रू। एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहे हैं इंटीजर ए बराबर है 9 असाइन हुआ ए को। अब कह रहे हैं इफ 9 बराबर बराबर है 5, तो ये तो बराबर नहीं है, तो क्या होगा? बजाहिर ऐसा लगता है कि कैंगरू डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक गौर तलब बात यह है कि इफ के बाद जब कंडीशन हम लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाते। यहां सेमीकोलन लगाने के बाद कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है, सेमीकोलन के बाद गोया स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, बात ही यहां पर खत्म कर दी, क्लोज कर दी। तो इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो बॉडी में कुछ भी नहीं है। अब ये जो प्रिंट एफ कैंगरू लिखा हुआ है, ये रूटीन की चीज है, ये रन होगी, और इसके बाद प्रिंट एफ एक्स ये भी रन होगा। तो कैंगरू और एक्स, ठीक है, ये जो है डिस्प्ले हो जाएंगे, और इधर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहरहाल हो सकता है सी लैंग्वेज के कंपाइलर के किसी वर्जन में यहाँ कंपाइलर एरर भी आ जाए कि जी आफ्टर इफ जो है वो स्टेटमेंट मिसिंग है, इस तरह की बात भी आ सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट हम जो बात कर रहे हैं उसमें ये कैंगरू और एक्स भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी वर्जन में ये कंपाइल एरर भी दे सकता है। एमसीक्यूज नंबर 10 में बात करें तो आपके पास 9 असाइन हुआ ए को, 9 इक्वल इक्वल्स टू 9, लेकिन अगेन आप देख रहे हैं सेमीकोलन लगा हुआ है, बात कंडीशन ट्रू भी हो गई लेकिन कोई स्टेटमेंट इधर है ही नहीं जिसको रन होना है। ये जो प्रिंट एफ ऑस्ट्रिच लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक जो है वो इसकी बॉडी से नहीं है, तो बजाहिर ऑस्ट्रिच आ जाना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद जो एल्स इफ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि एल्स और इफ के अंदर कोई स्पेस ही नहीं दी हुई, तो ये जो है ये एक सिंटेक्स एरर आएगा, ये एल्स और इफ के दरमियान एक स्पेस मास्टर, ये एल्स इफ जुड़ा हुआ जो है सी लैंग्वेज में कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा कंपाइल एरर जनरेट होगा, और यू कह लिया ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर। ये पिछले की एक्सप्लेनेशन आपके सामने आई, और 10 के अंदर ये कंपाइल एरर इज करेक्ट, और ये उसका रीजन आपको एक्सप्लेनेशन इधर बता दिया गया है कि नोटिस इफ एल्स स्टेटमेंट देयर शुड बी वन स्पेस बिटवीन इफ एंड एल्स, ये होना जरूरी है, तो लिहाजा जो है ये कंपाइल एरर के साथ प्रोग्राम आउटपुट पे आएगा, कोई डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ, अगर एल्स के बाद स्पेस देके इफ हो जाता तो फिर हम कोई आउटपुट ऑस्ट्रिच एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और एल्स के बाद इफ स्पेस देके अगर होता तो कंडीशन दुरुस्त ना होती, एक्स डिस्प्ले ना होता और वाइट आ जाता, ऑस्ट्रिच और वाइट ऐसी सूरत में हम कह रहे होते। तो कोई अगर एल्स इफ को नजरअंदाज कर जाएगा इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में, तो वो ऑस्ट्रिच और वाइट वाले ऑप्शन को दुरुस्त कर देगा, जो कि गलत होगा इधर। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और अगर हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो और आपको कन्फ्यूजन अराइज हो रही हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने सी के कंपाइलर पर बनाइए, आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर मुझसे कोई एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर बताते हुए मिस्टेक हुई है तो आप मेरी भी इसलाह कीजिए और अपनी इसलाह भी कीजिए। ठीक है, होपफुली कि हमने जो डिस्कस किया है, जो कॉन्सेप्ट की बात की है, यही सारे करेक्ट रिप्लाइज होंगे, तो आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूंगा। जज़ाकअल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।